हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। तो दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसके लिए यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यदि आप दोस्तों फिट आते हैं इस क्राइटेरिया में तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली अगली कोई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, देख लेते हैं। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन डेट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 18 जुलाई से 7 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फेज वन का ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो कि 7 सितंबर को होने वाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, जो कि अलग अलग वैकेंसीज होने वाली है। जनरल में आपको 33, अनरिजर्व्ड के लिए एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, और टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ जनरल पोस्ट के लिए है। इसके बाद अलग अलग जो डिसिप्लिन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 वैकेंसीज, फिशरीज के लिए टोटल 2 वैकेंसीज, फॉरेस्ट्री के लिए, प्लांटेशन, सिविल, इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलप मैनेजमेंट के लिए, एग्री मार्केटिंग के लिए, और भी सारे वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए, जो कि टोटल 161 वैकेंसीज यहाँ पे है। इसके साथ यहाँ पे नीचे में एक दूसरी कैटेगरी की भी है, जो कि राजभाषा के लिए टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में, यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1/7/2022 तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कम्प्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप, यदि आप इस साल पास होने वाले हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री है वो आपको 1/7/2022 तक आपको पास हो जानी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास एमबीए, पीजी, डीएम भी किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अलग अलग जो डिसिप्लिन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए या फिशरीज के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इन्होंने यहाँ पे सारे मार्क्स को यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया है कि कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, और नॉर्मली सभी में 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग या साइंसेज, फाइनेंस में जो ऑल भी ब्रांचेज हैं वो सभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सीजीपीए के बारे में बताया है कि जो कि टोटल जो मार्क्स होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को किस तरीके से मार्क्स को कन्वर्ट करना है सीजीपीए को परसेंटेज में, तो यहाँ पे इन्होंने एक इक्विवेलेंट परसेंटेज कन्वर्सन फॉर्मूला भी दे दिया है, तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करके देख सकते हैं अपने मार्क्स को। यदि आपके यूनिवर्सिटी या की तरफ से कोई भी अगर परसेंटेज कन्वर्सन फॉर्मूला आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने एज बताया है कि आप 21 से 30 साल तक के बीच में होने चाहिए, और जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो 1/7/2022 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा वो 3 फेज में किया जाएगा, जिसमें से कि पहला फेज जो होगा वो प्रीलिमिनरी एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें कि जो आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और टोटल 200 मार्क्स के आपके 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का पेपर होगा, और उसी पे आपका टेस्ट किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको मेरिट तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट के बेसिस पे आपको मेन एग्जाम के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब आप लोग का शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 आपको देना होगा, जैसे जनरलिस्ट पोस्ट के लिए है, ठीक उसी तरीके से दूसरे पोस्ट के लिए यहाँ पे मेन पोस्ट फॉर स्पेस लिस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद राजभाषा के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या कराया होगा, आपको पूछा जाएगा। इसके बाद नीचे और बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड क्राइटेरिया होगा आपका वो होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स क्राइटेरिया अलॉट किया जाएगा, और टोटल फिर शॉर्टलिस्टिंग फाइनली इंटरव्यू का बेसिस पे फाइनली आपका मेरिट लिस्ट तैयार करके आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे 1/4 मार्क्स
आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है रिटन टेस्ट में, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज यदि आपके पास है तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्या पूछा जाएगा। सारे यहाँ पे जितने भी हैं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस होने वाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म है जो कि एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है एप्लीकेशन ट्रेनिंग का, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर आपके होने वाले हैं, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा उसका क्या कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ये देख सकते हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद नीचे और आते हैं तो यहाँ पे जो दूसरी स्टेज की एग्जामिनेशन होगी मेन एग्जाम, उसके लिए भी कुछ सेंटर्स अलॉट किए हैं और वो ओनली कुछ अलॉटेड एरियाज में है, लेकिन तब भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने सेंटर्स दिया है। फिर भी ऑल जो है स्टेट कैपिटल्स जितने भी हैं सब में वहाँ पे लगभग सेंटर्स अलॉट कर दिया है इन्होंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 800 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फी होने वाली है टोटल अदर्स कैटेगरी वालों के लिए जो और एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 150 रुपीज एप्लीकेशन फी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने पे स्केल यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या आपकी पे स्केल होने वाली है, यानी कि आपकी जो आपका जो सैलरी होगा वो सैलरी स्ट्रक्चर अप्रॉक्स यहाँ पे 70,000 रुपीज़ आपको ग्रॉस सैलरी निकल के आने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो इनके आपको वेबसाइट पे जाना है और वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पे फिलअप कर देना है इनके वेबसाइट पे जाके, और वो 7 अगस्त तक लास्ट डेट होने वाला है, तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या आपके पास होने चाहिए, फोटोग्राफ के बारे में, सिग्नेचर के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन की है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर वही चीज़ है किस तरीके से अप्लाई करना है, तो रजिस्ट्रेशन पे किस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ पे इन्होंने ईच स्टेप्स यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन ही पे करना है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वही चीज। इसके बाद और नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो बस दोस्तों यही था यहाँ पे, ये लास्ट डेट इन्होंने बताया है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों बस यही था इस नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।